सर वेलकम टू एसके शशांक व्लॉग और एसके शशांक के एक और नए व्लॉग में आप सभी का स्वागत है यारो। और आज हम लोग आए हैं ये सहपुरा के पास पड़ती है जिसका नाम है कल्याण केंद्र। और यहाँ पे देखो ऊपर बने हैं शंकर जी, वो भी दिखाता हूँ। और नीचे क्या है जीजा? वो है गर्भगृह। हाँ तो ये नीचे इधर गर्भगृह, इधर पे भी शंकर जी है और ऊपर भी बहुत बड़े शंकर जी बनाए गए हैं। तो बहुत अच्छा स्थान है यार, यहाँ को जो देखो नजारा बहुत है, मतलब बड़ा अच्छा नज़ारा है और बहुत ही अच्छी जगह है, साफ सुथरी है। मतलब मैं देख रहा हूँ यहाँ कचड़ा वचड़ा तो कुछ दिख नहीं रहा। चलो चलते हैं अंदर। और यार ऐसी जगह में जब निकलते हैं ना व्लॉगिंग करने तो एक अलग आनंद रहता है। और ये इनका गर्भगृह, ठीक है ये देख सकते हो यहाँ पर शंकर जी विराजमान है। ये देखो दिखा रहा है और इसके ऊपर, ये देखो ऊपर का भी दिखा, ये ऊपर सबसे बड़े शंकर जी यहाँ पर बनाए गए। ऊपर भी चल के देखते हैं अभी। और बड़ी सुंदर प्रतिमा है भोलेनाथ की। आज हमारा इधर अकेले आना नहीं हुआ क्योंकि यार कई दिनों के बाद ब्लॉगिंग के लिए निकलना, उसके बाद आज पूरा परिवार आया बोल सकते हैं। दीदी आई है। अरे दीदी इधर आओ, तुम कहाँ जा रही? इधर आ जी हमारी दीदी, ठीक है ये रहती है सहपुरा में। हेलो गाइस तो बोल दो अंग्रेजी में, वो कहते हेलो। और ये भाई अपना सूरज भाई, ठीक है ये अपना कहाँ से है? नरसिंहपुर से ये, ठीक है। और उधर है वो भाभी और हमारी नीतू दीदी भी आई। तो इस बार के ब्लॉग में ना सभी लोग हैं, मतलब कह सकते पूरी फैमिली है। और हमने सोचा था, मैं तो खुद कई दिनों के बाद निकला था यार बाहर, मतलब कई महीनों हो गए मुझे कि शहर के बाहर नहीं निकला। और इस बार अकेले निकले थे, मैंने सोचा था क्यों ना घूमेंगे, चलो ऊपर चलते। वो देख रहे हैं ऊपर शंकर जी, उनको भी देख के आते हैं। तो यहाँ पे जाने के लिए ऐसी बनाई गई है, फिसल पट्टी टाइप की बनाई गई, ये देखो। तो ये बनाए गए हैं शिवलिंग, इनके नीचे ना के नीचे छोटे वाले शंकर जी स्थापित है। और ये दीदी लेके चल रही है कार्तिक को, देख ले बेटा चाचा का ब्लॉग है, वायरल हो जाएगा। तो यार वो सामने साइड देख सकते हो, उधर पे स्कूल है गवर्नमेंट स्कूल, ठीक है। और यहाँ पर टाउनशिप वगैरह का इन लोग कर रहे हैं निर्माण। एक चीज बताऊं, जब ऐसे माहौल पे आते हैं ना तो एक अलग एनवायरनमेंट रहता है। और बरसात के समय ऐसी जगह और भी सुहानी हो जाती क्योंकि भाई चारों तरफ इधर पे लगे हुए पहाड़। तो ये भाई हमारी दीदी है साथ में, ठीक है। और वो जीजा को सुना रही है। तो यार यही रहता है यार कि मतलब जब एक अलग जगह आते हैं ना बड़ा अच्छा लगता है और बहुत सारे लोगों से मिलने का मौका मिलता है, साथ में हमारे सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं। अभी तो फिलहाल मिले नहीं है लेकिन जब हम व्लॉग बनाते हैं ना अधिकतर समय ये होता है कि लोगों से मिलने का मौका भी मिलता है और सब्सक्राइबर भी मिल जाते हैं और बड़ा अच्छा लगता है। चलो चलते हैं, आज का व्लॉग इस ये वाला व्लॉग अभी तो इधर ही खत्म करते हैं और फिर आगे चलेंगे।